ये हमारी लेटेस्ट टैग प्रिंटिंग मशीन जो कि डबल साइड टैग प्रिंट करती है एक बार में स्टैंड रोलर एंड फिटिंग के साथ। मैं हूँ अभिषेक विद अभिषेक प्रोडक्ट्स। चलिए अब देखते हैं इसका पूरा डेमो। लेटेस्ट टैग प्रिंटिंग मशीन जो कि सेमी ड्यूअल साइड की मशीन है। इस मशीन के द्वारा आप इस तरह के मल्टी कलर टैग आसानी से इन हाउस अपने किसी भी नॉर्मल लोकेशन में प्रिंट कर सकते हैं। इस मशीन को सिंगल साइड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, यानी ये एक नॉर्मल प्लग से चल जाती है, इसको कोई स्पेशल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस मशीन के साथ हम लोग आपको 1 इंच गाटर का ये स्टैंड बना के देते हैं और इसके साथ रोल स्टैंड एंड रोटेटिंग का जो फीड रोलर है ये भी आपको बना के दिया जाता है। इस मशीन के अंदर आप 12 mm, 16 mm एंड 20 mm के रोल्स हैंग करके प्रिंटिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल येट पावरफुल मशीन है जिससे आप सिंगल साइड टैग एंड डबल साइड टैग दोनों ही आसानी से प्रिंट कर सकते हो। ये मशीन ज़्यादा जगह भी नहीं लेती और आप आसानी से इसे किसी भी रूम के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेमो देने के लिए मैंने 20 mm के टैग रोल्स को जमा करके रखे हैं और यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे एक साथ 9 टैग्स आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी आसानी से एक दिन में आप लगभग 1000 टैग तक प्रिंट कर सकते हो। 1000 से 1200 टैग्स तक आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे ही आप पहला रोल लोड करोगे तो आप उस 9 रोल से लगभग 1000 टैग्स बना सकते हैं, क्योंकि एक टैग की लेंथ होती है 36 इंच और हम लोग आपको एक रोल देते हैं 100 मीटर्स का। तो एक मोटा मोटी आप आसानी से 1000 टैग इस मशीन से एक दिन में बना सकते हैं, अगर एक बंदा भी इसके ऊपर काम कर रहा है तो। और जैसे ही रोल ख़त्म हुआ आप नए रोल इसके अंदर आसानी से फीड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर आपको स्क्रू सिस्टम दिया है। मशीन के अंदर हमने आपको एक डिजिटल मीटर दिया है और एक MCB दिया है, और डिजिटल मीटर से आप इस मशीन के टेम्परेचर एंड टाइमिंग एंड कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा हमने आपको मशीन के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो जल्दी से मैं आपको इसका एक डेमो करके बताता हूँ। मशीन को यूज़ करने के लिए हमने एक सब्लिमेशन प्रिंटर का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर हमने 8 इंचेस के सब्लिमेशन रोल से प्रिंटिंग की है और उसको एक पर्टिकुलर लेआउट में सेट करके यहाँ पे उस सब्लिमेशन प्रिंटआउट को मशीन के भीतर स्लाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे टैग्स है और उनका जो टेम्पलेट फाइल है वो भी हम आपको मशीन के साथ प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके टैग और आपके प्रिंट का अलाइनमेंट परफेक्ट रहे। मशीन की ये दी गई सेटिंग से आपको अलाइनमेंट करने में भी बहुत सुविधा होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये मशीन डबल साइड प्रिंटिंग करती है, तो आपको नीचे की तरफ एक पेपर और ऊपर की तरफ भी एक पेपर फिट करना है। पेपर कुछ इस तरह से फिट होगा और दोनों ही पेपर को अपनी जगह पे मेंटेन रखने के लिए हम लोग एक हीट टेप का इस्तेमाल करेंगे। हीट टेप कुछ इस तरह से लगाई जाएगी। और भी डिटेल सेटिंग होती है, उसका भी डेमो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और यहाँ पे हमने मशीन को पूरा प्रेशर टेम्परेचर सेटिंग करके रखा है और अब हम इसे ऑन करेंगे। हमारे टेम्परेचर एंड टाइम के हिसाब से ये मशीन अभी आपके टैग के ऊपर पंच कर रही है। तब तक मैं आपको इस रोल स्टैंड के बारे में बता देता हूँ। प्रिंटिंग करने के लिए हमने इस तरह का एक सब्लिमेशन रोल है जो एक स्टैंड में रखा है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा रोल जाता है एक प्रिंटर के अंदर और उस प्रिंटर से ये बड़े बड़े पेपर प्रिंट होते हैं। प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए हम उसका सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं एंड साथ ही साथ उसका टेक्निकल गाइडेंस भी। पेपर प्रिंट होने के बाद आपको वो पेपर कुछ इस तरह से दिखेंगे। जितने टैग होंगे उतने प्रिंटआउट होंगे और हर एक की एक अलग सेटिंग होती है, वो सेटिंग भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। होने के बाद वो पेपर आपने, जैसे मैंने बताया कि मशीन के अंदर आप फिट कर देते हैं और टेम्परेचर एंड प्रेशर के हिसाब से इसकी सेटिंग होती है। प्रिंट होने के बाद इसे हमें एक आईडी कार्ड टैग कटिंग मशीन में डाल के टैग को काटना है और टैग फिटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए इसे फिट करना है। और ये रही हमारी टैग प्रिंट होके तैयार है। ये था हमारा रेसिड्यू पेपर जिसके अंदर मोर देन 80% का हमने ट्रांसफ़र कर दिया है।
और फ्रंट एंड बैक इसके अंदर प्रिंटिंग हो गई है। और यहाँ पे ये फ्रंट एंड बैक भी हमने प्रिंट कर दिया है इसके अंदर। यहाँ पे आपको आगे की टैग और पीछे की टैग दोनों सिंगल बार एक बारी में प्रिंट हो जाएगी और ऊपर और नीचे आपको दो पेपर डालने से ये क्वालिटी आ जाएगी। और इस तरह से आप मल्टी कलर टैग प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ नीचे मैंने एक आपको स्टैंड दिया है, उस स्टैंड को जैसे ही आप रोटेट करेंगे वो आगे की टैग नेक्स्ट लोड हो जाएगी। इस तरह से ये रोटेट किया जाता है। एंड बस आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा रोटेट ना करें ताकि आपकी टैग एक इंच भी वेस्ट ना हो, और ऐसे आप अपने प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, कॉस्टिंग बरकरार रख सकते हैं। एंड फिर ये प्रोसेस शुरू होगा, वापस आपको ऊपर एक नया पेपर डालना है, नीचे एक नया पेपर डालना है, और उससे आपकी प्रिंटिंग पूरे दिन शुरू रहेगी। ये टैग प्रिंट होने के बाद आपको इस टैग को एक टैग कटिंग मशीन के अंदर लेके जाना पड़ता है। मैं बता देता हूँ वो मशीन कैसे दिखती है। ये मेरा शोरूम है यार, यहाँ पे मैंने ये टैग कटिंग मशीन भी रखी है। तो ये टैग कटिंग मशीन जो है ऐसी दिखती है, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और इस मशीन को ऑन करने पर यहाँ से आप टैग को काटोगे। टैग काटने के बाद आप इस तरह के मेटल जॉइंट्स लेंगे और हुक्स लेंगे। ये कुछ हुक्स होते हैं, ये कुछ लीवर हुक होते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे इस तरह के मेटल जॉइंट होते हैं, एंड ये फिश हुक होता है या फिर रिंग होती है। उन रिंग्स को आप डालेंगे इस टैग फिटिंग मशीन के अंदर। मैं वो भी बता देता हूँ आपको। बहुत भारी है। तो ये रही हैवी ड्यूटी टैग फिटिंग मशीन, और इसके अंदर आप 12, 16, 20 mm की टैग्स बना सकते हैं। और इसके अंदर आपके जो इतने भी फिश हुक, लीवर हुक, जॉइंट हैं वो सारे इस मशीन के अंदर आके फिट हो जाते हैं। तो ये जो हैवी ड्यूटी मशीन है, इससे क्या है, आपके हाथ में पेन नहीं आता और आप लंबे समय तक इसमें काम कर सकते हो। हमने इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया है। एंड यहाँ पे इस टैग फिटिंग मशीन का इस्तेमाल करने के बाद, इस टैग कटिंग मशीन का इस्तेमाल करने के बाद, आप अच्छे से अच्छी मल्टी कलर टैग डोरी बना सकते हो। और टैग एंड जॉइंट डालने के बाद आपको होल्डर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको हमारे थ्रू मिल जाएंगे। और इस मशीन को लेने के लिए या फिर हमसे कनेक्ट होने के लिए या फिर यहाँ दिखाए गए शोरूम के अंदर किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स जैसे कि सैटन रोल, टैग, हुक, जॉइंट, लैमिनेशन मशीन, आईडी कार्ड सॉफ्टवेयर, आईडी कार्ड मशीन, रोल टू रोल सॉफ्टवेयर, फ्यूजिंग मशीन, पीवीसी कार्ड मशीन, एपी फिल्म के मशीन्स या फिर रिम कटर को लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा।